आता दी दोस्तों, मैं रोशनी शुक्ला, एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु एक्सपर्ट, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जो दिव्य शक्ति हमें धनवान बनने में, जीवन में आगे बढ़ने में मदद करती है, वो माता महालक्ष्मी की शक्ति होती है। माता महालक्ष्मी जिन पर प्रसन्न हो जाती हैं, उनका पूरा घर अन्न धन से भर देती हैं। ऐसा व्यक्ति रातों रात धनवान बन जाता है। तो अगर आप भी माता महालक्ष्मी को प्रसन्न करके अपने जीवन को धन धान से परिपूर्ण करना चाहते हैं, तो इसके लिए शुक्रवार का दिन सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि शुक्रवार का दिन माता महालक्ष्मी को समर्पित होता है। इसलिए आज मैं आपको शुक्रवार के दिन किए जाने वाले कुछ विशेष और सरल उपाय बता रही हूँ। आप ये उपाय कीजिए, आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। तो अपने फ़ायदे के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। दोस्तों, पहला उपाय, धन प्राप्ति के लिए शुक्रवार के दिन से शुरू करके 21 दिनों तक लगातार प्रतिदिन लगभग एक गिलास दूध में चीनी मिलाकर अगर पीपल की जड़ में डाला जाए, और ये दूध गाय का शुद्ध दूध होना चाहिए, तो इससे 21 दिनों के भीतर अचानक से धन की प्राप्ति होती है। ये धन आपको लॉटरी सट्टा के माध्यम से, व्यापार में किसी बड़ी डील के माध्यम से, या फिर नौकरी में प्रमोशन या इंक्रीमेंट के माध्यम से, या फिर पैतृक संपत्ति के माध्यम से प्राप्त हो सकता है। दूसरा उपाय दोस्तों, शुक्रवार के दिन किसी सुहागिन महिला को लाल रंग का कोई कपड़ा जैसे कि साड़ी या सूट आदि दान करने से माता महालक्ष्मी प्रसन्न होती है, और हमारे जीवन में चल रही धन संबंधी परेशानियों को दूर कर देती हैं। तीसरा उपाय दोस्तों, शुक्रवार के दिन पीपल के वृक्ष पर दो जोड़ी लाल चूड़ी बांधने से माता महालक्ष्मी का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। माता लक्ष्मी कदम कदम पर हमारा साथ देती हैं। हम जिस भी काम को हाथ में लेते हैं उसमें सफलता और धन लाभ होता है, और नौकरी व्यवसाय में तरक्की होती है, धन का आगमन बढ़ने लगता है। चौथा उपाय दोस्तों, शुक्रवार के दिन स्फटिक का श्रीयंत्र घर में लाकर स्थापित करना चाहिए, और प्रतिदिन श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं, घर में धन की बढ़ोतरी होती है, और पूरे घर को माता लक्ष्मी अन्न धन से भर देती हैं। ऐसे घरों में 7 पीढ़ियों तक तिजोरी कभी खाली नहीं होती है। पांचवा उपाय दोस्तों, शुक्रवार के दिन एक काच्ची नारियल लाकर घर में रखना चाहिए। सामान्य नारियल में 3 आँखें होती हैं, पर जिसमें सिर्फ एक आँख हो उसे एक काच्ची नारियल कहते हैं। ऐसा नारियल मुश्किल से मिलता है, और इसे माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। तो अगर आपको ये नारियल मिल जाए तो शुक्रवार के दिन इसे आप अपने पूजा घर में स्थापित करें, और प्रतिदिन इसकी पूजा करें। इससे माता लक्ष्मी घर में स्थायी रूप से निवास करती हैं, और घर में धन का आगमन तेजी से बढ़ने लगता है, और घर में रहने वाला हर व्यक्ति धनवान हो जाता है। दोस्तों, शुक्रवार के दिन ये उपाय करके आप माता महालक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। माता महालक्ष्मी की कृपा से आपकी किस्मत बिल्कुल ही बदल जाएगी, और आप निश्चित ही धनवान बन जाएंगे, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। ईश्वर करे आपका दिन शुभ हो।